फैन को मैसेज किया है और दोनों के दोनों अखिलेश अखिलेश एक है, अखिलेश है। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शाजिया बेटा। और मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ा ही टेंशन हो रहा है कि जो स्टूडेंट जिनको बड़ी जरूरत है इस क्लास की, वो अटेंड नहीं कर रहे इस क्लास को। बहुत गलत कर रहे हैं वो लोग। बाद में फिर मैं दूंगा नहीं ये क्लास, अभी तो मैं बहुत ही बड़ा दिल करके सब लोग को ये क्लास दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स विदाउट एनी चार्जेस, राइट, बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के मैं ये दे रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद आएगा तो मैं इन सब क्लासेस के लिए पैसा चार्ज करूँगा और फिर उनको समझ में आएगा कि अच्छा, जब ये फ्री में क्लास मिल रहा है तो वो उसको समझ नहीं रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। तो कल कि क्लास में हम लोगों ने फिर से उस चीज की प्रैक्टिस करी थी। आप लोगों ने कुछ ऐड किए, सेंटेंसेस बनाए, जिस तरह से मैंने कहा था करो मत करो, है ना? तो समझते हो इस तरह के सेंटेंस को बेटा? इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस सीधे वर्ब से शुरू कर सकते हैं। कहते हैं करो, डू इट, करो, डू इट, मत करो, डोंट डू इट, हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, राइट? जब मैं टीवी देख रहा होता हूं, हल्ला मत करो, कुछ ऐड कर दिया उसमें, है ना, कुछ ऐड कर देते हैं। चलिए, तो जैसे आप मुझे कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे आप लोग? शाजिया, आफरीन, साहिल बिहारी, आकांक्षा, अखिलेश यादव, आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स देना पसंद करेंगे। अपने तरफ से कुछ सेंटेंसेस बोलिए। अगर आपने कुछ प्रैक्टिस की, कुछ लगा कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा बोलना सीख गए, एक्स्ट्रा लिखना सीख गए, तो बताइए मुझे। हाँ बताइए बच्चों, कल के क्लास से आप लोगों ने क्या हासिल किया है? हाँ साजिया डोंट क्राई सर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? साजिया नहीं रोती है। ये तो रोती है, करती है, ये तुम्हारा हैबिट है बेटा। ये चीज के लिए अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं करें, करो मत करो, मैं ये सेंटेंस की बात कर रहा हूँ बेटे। करो मत करो, शाजिया मत रो, कैसे बोलेंगे? शाजिया मत रो, टोन लाएंगे ना हम लोग अपने बातचीत करने के अंदाज में। टोन जब लेके आएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी चीजें हमें। जब आप खाली शब्द बोलते हैं, टोन नहीं रखते, तो आप कम समझते हैं। और शाजिया रो मत, कैसे बोलेंगे? शाजिया डोंट डोंट क्राई, लेकिन नहीं, तुम जो वैसे क्राई। थोड़ी ना, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे थोड़ी होगा, वैसे तो हो ही नहीं पाएगा। बोलना पड़ेगा शाजिया डोंट क्राई, थोड़ा अच्छे से बोलो, उसको समझाओ, रो मत। और बताओ, चलो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो प्रैक्टिस को, और बताओ। तो तुम मेरी किताब मत पढ़ो। यू डोंट हाँ, रीड माई बुक। यू हटा दो, खाली सीधे बोलो डोंट रीड माई बुक, डोंट डोंट रीड माई रीड बुक। माई बुक यू करके नहीं बोलते। जब आप ऐसे बोल रहे हैं आकांक्षा, तो आप अभी अभी फील ही कर रहे हैं। मान लो आपके सामने कोई आपकी किताब पढ़ रहा है, तो आप उसको मना करेंगे, डोंट रीड माई बुक। ठीक है, बहुत अच्छे। और बोलिए अखिलेश, शाजिया, साहिल, मुझे दीजिए कुछ एग्जाम्पल्स। अखिलेश मीटिंग ज्वाइन मत करो। हाँ, कैसे बोलेंगे? हाँ, अखिलेश डोंट बीइंग ए डोंट मीटिंग। अटेंड। अटेंड करना, अटेंड वर्ब इंग्लिश है, ज्वाइन भी इंग्लिश वर्ब है, तो आपको बोल सकते हैं अखिलेश डोंट ज्वाइन द मीटिंग, डोंट अटेंड द मीटिंग।
बहुत बढ़िया। और कुछ बताएं, और कुछ एग्जांपल्स दें आप लोग मुझे साहिल। मेरा साबुन यूज मत करो, कैसे बोलेंगे आप? डोंट माई डोंट यूज माई शॉप शॉप सोप SOAP सोप SOAP ओके सोप। और जो दुकान होता है ना उसको कहते हैं शॉप SHOP। दुकान को कहते हैं शॉप SHOP। और जो साबुन होता है उसको SOAP सोप बोलते हैं। डोंट यूज माई सोप। सर, मेरे दुकान मत आओ। ओके कैसे बोलोगे? डोंट 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 कम गो माई शॉप। गो टू डोंट गो टू शॉप। ओके डिपेंड करता है। तुम अगर कह रहे हो जाओ मत जाओ तो कहो डोंट गो टू माई शॉप। तुम कह रहे हो मेरे दुकान पर मत आओ, डोंट कम टू माई शॉप। आकांक्षा, कम के बाद वो जगह बतानी है ना जहां जाने की बात हो रही, आने की बात हो रही। यस कम और गो दोनों के बाद टू लगाते हैं उस जगह को बोलने के लिए जहां जाने और आने की बात हो रही है। ठीक है, सो डोंट कम टू माई शॉप। डोंट कम माई शॉप नहीं बोलते, डोंट कम टू माई डोंट शॉप। कम टू माय। ठीक है, कंटिन्यू करें आप लोग थोड़े और अपने आप को पुश करके, कुछ और सेंटेंसेस दिमाग से निकाल के दीजिए ताकि मैं कहूं कि अब ये बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी बात पे चले जाते हैं। बताओ। बाजार मत जाओ, डोंट गो टू मार्केट। बाजार मत जाओ, डोंट गो टू द डोंट गो मार्केट। टू मार्केट। खेलने मत जाओ, डोंट फिर से गो बोलना। टू द डोंट प्ले। डोंट खेलने मत जाओ। खेलने मत जाओ, कैसे बोलेंगे उसमें? डोंट डोंट गो टू द गो टू प्ले। प्ले। प्ले डोंट गो टू प्ले। और गो अगर टू बोले प्ले। धूप में खेलने मत जाओ। डोंट गो टू प्ले इन द सन, इन द सन। डोंट गो टू प्ले इन द इन द सन। सन। ठीक है, अगर इसी बात को धूप की जगह बारिश भी बोल के तो एक्सचेंज कर सकते हैं ना। बोलो यस सर। डोंट गो टू द प्ले इन रेन। आराम से आराम से आराम से। देखो हड़बड़ा करके जो इन बोलते द हो, रेन। अभी क्लास में वही हुआ था ना, हड़बड़ा सॉरी करके। सर। ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आराम से बोलते हैं। बोलिए, डोंट गो टू डोंट गो प्ले टू प्ले इन रेन। इन द रेन। सना डोंट ब्रेक एमिरा। फिर से बोलना आफरीन। सना डोंट ब्रेक एमिरा। सना डोंट ब्रेक एनी मिरर। सना मिरर मत तोड़ो। सना डोंट ब्रेक एनी मिरर। बहुत अच्छा, सर डोंट इट क्लास। ठीक है, नहीं पढ़ाता, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, छुट्टी सर कर देता ईट हूँ। बोले और बताओ, और लोग बोलते, ऐसा अच्छा लग रहा है। वैसे जो जैसे तुम लोग बोल रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग समझ रहे हैं। अखिलेश, सब लोग अपने आप से बोलिए कि हम, जब कोई एक बोलेगा हम दो बोलेंगे, ऐसा क्या है? आराम से बैठिए मत। क्लास में हल्ला मत करो। डोंट लेकिन जो बोलना है ना, इमोशन के साथ बोलना है, रोबोट की तरह नहीं बोलना। नॉइस। डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। ओके इन द क्लास।
मेरा टॉवल यूज मत करो। यूज माई टॉवेल। मेरे जूते मत पहनो। डोंट माई शूज। डोंट माई शूज। डोंट माई शूज। डोंट यूज माई शूज। डोंट यूज माई पहनना शूज। कुछ क्या वेयर, WEAR, वेयर मतलब पहनना। भी डोंट है ना। डोंट डोंट वेयर माई शूज। डोंट वेयर माई शूज। मेरे जूते मत पहनो। ये किसी को मना करने, किसी को करने के लिए ये सब सेंटेंसेस हैं। ठीक है दोस्तों, ऑडियो फाइल रोज सुना करो। बोलो, ऑडियो फाइल रोज सुना करो। डोंट माई वेयर कुर्ती। डोंट माई वेयर या डोंट वेयर, पहले ये डिसाइड करो। फिर से सोचो, डोंट माई वेयर कि डोंट वेयर। डोंट वेयर। डोंट वेयर, उसके बाद बोलो माई कुर्ती। डोंट वेयर माई कुर्ती। डोंट वेयर डोंट माई वेयर माई कुर्ती। डोंट बोलो सर, रात में केला वेयर मत पहनना। माय सर बरसात के मौसम में केला मत खाइए सर। जीन्स। डोंट डोंट ईट। डोंट ईट बनाना इन रेनी सीजन। ओके, मेरे सामने ना मीट मत खाया करो यार, बहुत गलत बात है। मेरे सामने मीट मत खाया करो। डोंट डोंट ईट मीट। यू डोंट ईट बनाना। डोंट ईट मीट इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट ईट मीट इन फ्रंट ऑफ मी। डोंट ईट मीट फ्रंट ऑफ मी। डोंट ईट मीट इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, खाना मत खाओ। क्या होगा सर? डोंट कुक। डोंट इट। डोंट बिना धोए फल मत खाया करो। डोंट क्या बोले सर? बिना धोए फल मत खाया करो। डोंट इट वॉश। डोंट इट वॉश। डोंट वॉश इट। हेलो डोंट अनीश, वॉश फ्रूट। डोंट वॉश फ्रूट। डोंट वॉश फ्रूट का क्या हिंदी हुआ बेटा? डोंट वॉश फ्रूट। हेलो अनीश यस सर। बेटा, मैंने आपका देखा, आपने जो लिखा है यस काफी मुश्किलें हैं, है ना? काफी मुश्किलें हैं अनीश।
आपको बहुत सारी गलतियां हुई हैं उसमें जो आपने लिखा है। अच्छा तुम लोग बताओ क्या कह रहे हो, डोंट वॉश फ्रूट का हिंदी बताओ। अफरीन, यही है सर, बिना धोए मत खाओ। हाँ बेटा जो तुम वर्ड्स बोल रहे हो उसको बोलो, दिमाग लगा के बोलो, डोंट वॉश फ्रूट, इसकी हिंदी करो। फ्रूट को धोएं। फल मत देख रही हो आफरीन क्या बोल रही हो तुम, डोंट वॉश फ्रूट, तुम कह रही हो डोंट वॉश फ्रूट। जब तुम अपने शब्दों को महसूस करोगे बोलते समय तो तुम सीखोगे। तुम लोग जिस अंदाज से सीखने की कोशिश कर रहे हो उसमें जान छुड़ाने की कोशिश हो रही है तुम्हारी। तुम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। बोले ये क्या जान छुड़ाने की, तुम चाहते हो कि जल्दी जल्दी हो जाए काम खत्म, ऐसे नहीं होता। तुम्हें उसमें घुसना होता है, रमना होता है, उसमें मजा लेना होता है। तुम चाह रहे हो बस बोल के बात खत्म करे, हो गया हो गया हो गया, तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। मैंने कहा बिना धोए फल मत खाओ, मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करता हूं खाली ये देखने के लिए कि मेन हिस्सा तुम्हें समझ में आया है कि नहीं। परफेक्टली तुम्हें अभी भी मेन हिस्सा समझ में नहीं आया है, इसलिए तुम ऐसे सेंटेंसेस बोल रहे हो। साहिल बिहारी एंड आफरीन, प्लीज काम करो, काम करो अपने सोच पे, कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें चम्मच से मुंह में डालूंगा तो तुम कब से खाना शुरू करोगे, ऑब्जर्व करना शुरू करो। मैंने कहा है बिना धोए फल मत खाओ, इसमें अगर कोई हिस्सा हटा सकते तो बिना धोए हटा दे, फल मत खाओ अभी भी है ना, को बोलना सीखे ना हम लोग। अनीश बेटा कैसे बोलेंगे इस बात को इंग्लिश में, बिना धोए फल मत खाओ, अनीश कोशिश करो तो। आई कांट ठीक है अनीश, दोपहर में 2 बजे की नो क्लास चल रही है, जब तक मैं नया क्लास नहीं शुरू करता रहे इसमें, बाकी देखते हैं। आप लोग कोशिश करें, साहिल बिहारी आफरीन, मुझे बहुत नई खुशी हो रही है आपसे जब आप ये जवाब दे रहे हैं, डोंट वॉश फ्रूट। आफरीन इसका क्या मतलब निकलता है, आकांक्षा तो कम से कम लॉजिकल हो रही है, वो कम से कम जो सिखाया जा रहा है उसी के हिसाब से बोल रही है कुछ भी, बाकी आप लोग तो कुछ भी बोल रहे हो। उसने कहा डोंट वॉश फ्रूट मतलब होता है फूल फूल फल मत दो, क्योंकि आपने कहा डोंट वॉश फ्रूट, तो ऊट पटांग काम करोगे बेटा तो कोई नहीं सिखा पाएगा। याद रखना तुम्हें पहले लॉजिक करना सीखना होगा कि किस वजह से क्या हो रहा है। ठीक है साहिल बिहारी, मैंने कहा बिना धोए फल मत खाओ, कैसे व्हाइट है तुम्हें बोलोगे, ना। आई कांट जितना आई बोलना आता है कांट उतना बोल दो, वॉश बाकी फ्रूट। मैं बोल दूंगा, जितना बोलना आता है बोल डोंट दूंगा, मैं एक बोल दूंगा। ठीक डोंट है साहिल ईट फ्रूट्स विदाउट वॉश। डोंट बिहारी, आप कम से कम जितना आता है बोलना, जितना सीखा है वो बोल दो, बाकी मैं बोल दूंगा, टेंशन ना लो। ईट फ्रूट्स डोंट डोंट ईट ईट प्रेस, फ्रूट्स डोंट ईट वॉश डोंट फ्रूट। ईट के बाद वॉश नहीं लगाना है, विदाउट डोंट ईट के वॉश बाद आपको लगाना है क्या खाने की बात फ्रूट दोस्तों, फल। तो फिर आपको फ्रूट बोलना चाहिए। अब तक अगर आप ये फिगर आउट नहीं किए हैं तो बहुत गंदे, यू डोंट ईट फ्रूट विदाउट वॉशिंग। बहुत बढ़िया आंसर, डोंट ईट फ्रूट विदाउट वॉशिंग। अच्छा कह दो कि मैंने विदाउट वर्ड नहीं सिखाया कल आपको, क्या कल इस वर्ड से सेंटेंस बना था आकांक्षा, बिना नहाए इस तरह से यस कुछ कुछ यस सेंटेंस। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मेरे कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि विनय सर बहुत अच्छे टीचर है तो मैं तो बस क्लास में बैठूं और बात खत्म हो जाएगी। आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, क्लास में बैठे हो तो। साहिल ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त, डोंट डोंट ईट के बाद वॉश बोल रहे हो, डोंट ईट वॉश, कम से कम छोटे सेंटेंस को जब आप महसूस कर लेते हो, जब मैंने कहा हल्ला मत करो तो डोंट मेक अ नॉइज, तो क्लास में हल्ला मत करो तो क्लास बीच में नहीं घुसेगा ना दोस्त, डोंट मेक अ नॉइज के बाद ही बोलेंगे, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्लास और आफरीन ये डोंट वॉश फ्रूट बोल के कहाँ जा रही हो तुम, बताओ मुझे कैसे काम चलेगा,
क्या समय नहीं दे रही इंग्लिश सीखने को? बिल्कुल, अगर तुम्हें लगता है कि 1 घंटा तुम बैठोगी मेरे साथ इसी समय सिर्फ इंग्लिश सीखना होगा, दिमाग नहीं लगाओगे बेटा, तो बड़ी मुश्किल में हो तुम। ठीक है, अरेंजमेंट पर ध्यान दो। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स दूं तो उसको ऑब्जर्व कर लो कौन सा वर्ड कहाँ है, ताकि तुम्हारा चौथा एग्जाम्पल वैसा ही निकले। 2 से 3 एग्जाम्पल में उस चीज को ऑब्जर्व करने की आदत डालो, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा वर्ड। ठीक है, आफरीन, सिर्फ आफरीन बोलेंगे, सिर्फ आफरीन बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। आफरीन बोलो, कुकर में मीट मत पकाओ, अच्छा आफरीन। देखो बेटा, जब मैं नाम लूँ और उसके बाद आप अनम्यूट नहीं करोगे ना, तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा, सीरियसली। ठीक है, तुरंत अनम्यूट करो, तुरंत बात करना शुरू करो, गलत हो सही हो बात अपने जगह पे है। ठीक, लेकिन ये कम्युनिकेशन किल नहीं करना है कि हम चुप हो जाएंगे, हम ऑनलाइन क्लास में हम म्यूट करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो अच्छा आफरीन बताओ, तुम्हें बोलना है कि कुकर में मीट मत पकाओ। अच्छा आफरीन, डर गई, नहीं हो रहा तुमसे? कम से कम पहला वर्ड क्या बोलना चाहिए तो तुम्हें पता है ना, सर, तो पहला वर्ड बोल ले मेरे दोस्त, फिर दूसरा वर्ड बोल। डोंट के बाद क्या? डोंट नॉट कुक मीट इन कुकर, नहीं डोंट के बाद नॉट भी बोलना है हमें? सर, सिर्फ डोंट 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 कुक मीट इन कुकर। अच्छा आफरीन, तुम ईमानदारी से पढ़ाई कर रही हो, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब कोई नहीं जवाब देता और अचानक से जवाब देता है, तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, कहीं कुछ चीटिंग वीटिंग कर रहे हो सीखने के जगह, ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ जवाब देना मायने रखता है या सीखना मायने रखता है, ये सवाल है पहले। आफरीन कैमरे पे आ जाओ, आफरीन कैमरे पे आ जाओ। यहाँ पे मम्मी है सर, सूप करता है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जब तुम जवाब नहीं देते और अचानक से जवाब देते हो, तो मैं क्या महसूस करूं, कि तुम खुद से बात कर रहे हो या कुछ हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो कहीं से, ये जवाब दो। मुझे क्या फील होना चाहिए? क्या ये तुम लोगों की आदत नहीं है कि टीचर के सामने प्रेशर में आ जाए और दूसरे तीसरे जगह से हेल्प लेने की कोशिश करने लगे? क्या ये तुम करते हो या नहीं करते हो, ये बताओ। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दो। क्या ये तुम्हारे आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की आदत है कि नहीं कि टीचर अगर कोई सवाल करे और उनको लगे नहीं आ रहा है समझ में, तो कहीं और से आंसर पता करके सवाल का जवाब देना पसंद करते हैं कि नहीं, या टीचर को ये बताने की जगह कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, वो सीखने की कोशिश के जगह इसको एक प्रोसेस समझने के जगह वो समझ लेते हैं कि ये टेस्ट है मेरा, हाँ जवाब होना चाहिए, किसी तरह से जवाब दे दे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आफरीन कि तुमने खुद से जवाब नहीं दिया है? नहीं सर, यहाँ पे साजिया है ना, तो थोड़ा सा दोनों मतलब अच्छा दोनों एक दूसरे से कर रहे थे इसलिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम लोग ना एक बार में 4 वर्ड्स ना बोलो, एक बार में एक वर्ड बोलो, फिर दूसरा वर्ड बोलो, फिर तीसरा वर्ड बोलो, ताकि समझ में आए कि शब्दों को कैसे अरेंज करना है ना। अनीश, कैसे बोलना चाहिए कि कुकर में मीट मत बनाओ? अनीश, कुकर डज नॉट मीट मिल मीट। कहाँ पढ़ रहे हो अनीश, किस मैं किस कॉलेज में पढ़ रहे हो अनीश? अनीश आवाज नहीं आ रही। अनीश, आप विजयनगर में हो ना, विजयवाड़ा कहाँ हो अनीश? सिर्फ ये बताना है कि देखो ना, इंग्लिश जान करके भी इंसान कहीं भी पहुंच जा रहा है। ठीक है,
इसका मतलब किस कॉलेज में हो, किस जगह हो, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं तुम्हारी इंग्लिश का। हमारे यहाँ स्थिति बहुत खराब है दोस्तों। आपने अभी सुना कि हमारे क्या नाम है, अनीश को बहुत मुश्किल हुई सेंटेंस बोलने में, कुछ का कुछ बोल गए, राइट? तो अब हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको कोशिश करें कुछ कुछ करने की। अभी तो अनीश है नहीं, अगर वो होते तो मैं उनसे दूसरे सवाल पूछ करके ये बताता कि कैसे वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे। तुम लोगों को जब कोई ये समझाने की कोशिश करे, खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं ये बताने की कोशिश करूं कि देखो कहां तुम फंस रहे हो, तो तुम वहां पर दिमाग लगाओ, मेरा इरादा है तुम्हारी मदद करने का, राइट? वो जो बोले हैं, जिस तरह का जवाब दिए हैं, उससे मैं अभी पूछता हूं उनसे कि कैसे बोलना है, बैठ जाओ, बोलते सिट डाउन, ठीक है? देखो कोई भी इंसान ना सोच नहीं रहा है, अगर सबसे पूछा जाए कि बैठ जाओ कैसे बोलते हैं, तो सब बोलते हैं सिट डाउन, देख खड़े हो जाओ तो स्टैंड अप। उनको समझ नहीं आता कि वर्ब बोल रहे हो तुम, तो पहले वर्ब बोलना पड़ेगा। अगर बोल रहे बैठ जाओ तो सिट डाउन बोल रहे, डाउन सिट नहीं बोल रहे, सिट पहले बोल रहे, सिट एक वर्ब है, सिट मतलब बैठना। बोलते हैं चुप हो जाओ तो बोलते हैं शट अप, तो शट भी एक वर्ब है, ओके? जब बोलते हैं हल्ला मत करो, कहते हैं डोंट मेक अ नॉइज, तो डोंट मेक, मेक एक वर्ब है और उसके बाद ए नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। तो ये तीन एग्जाम्पल काफी हैं बाकी सब चीजों को समझने के लिए। अपना दिमाग लगाइए यहाँ पे। टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी सर। डोंट अब मुझे चार पांच ऐसी बातें बताओ अपने अपने मुंह से सब लोग, जो माँ बाप बच्चों को मना करते हैं करने के लिए। माँ बाप अक्सर कहते हैं ये मत करो वो मत करो, तो थोड़ी देर के लिए माँ बाप बन जाओ और ऐसे सेंटेंसेस बोलो जो माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चों से। धूप में मत खेलो। इंग्लिश बोलिए, बहुत बढ़िया सेंटेंस है आपका। डोंट धूप पे मत खेलो, डोंट गो, डोंट के बाद क्या बोलना चाहिए अखिलेश? डोंट डोंट प्ले इन आगे बोलो, डोंट सन। सन इन द बुक सन, का क्या वो होता है मैं, फिर? डोंट प्ले तक तुम आ गए ना, बाकी मैं देख लूंगा, उसके बाद मुझे टेंशन नहीं है, फिर मैं सिखाने वाला हूँ। इन द सन मतलब धूप में, डोंट प्ले इन द सन, ओके? सब लोग सीख ले और अगर हो सकता है तो कॉपी में लिख ले, फिर बाद में इसको दोहरा ले ताकि दिमाग में बना रहे, डोंट प्ले इन द सन, ओके? बहुत बढ़िया। और कुछ लोग बताइए, माँ बाप क्या क्या मना करते हैं बच्चों को करने से, वो सेंटेंस कॉलेज बोलिए। मत जाओ, कॉलेज माँ बाप बोलते हैं कॉलेज मत जाओ, सीरियसली अखिलेश? माँ बाप मना करते हैं स्कूल जाने, कॉलेज जाने से? चलो ठीक है, ठीक बारिश है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ मना में करते हैं, चलो मत मान लेता हूँ, चलो इंग्लिश में बोलो। भेजो, डोंट गो टू कॉलेज। चलो ठीक है, अखिलेश ने एक अच्छा सल दिया है, माँ बाप अक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अखिलेश? बारिश में मत भींगो। बारिश में मत भीगो, ओके? तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि आपको भींगना नहीं पता है ना, भींगना पता है सर सर इंग्लिश में? अच्छा, नहीं सर, लेकिन मैं डायरेक्ट भींगना बताने का, अगर बोला कोई सेंटेंस से बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? भींगना का इंग्लिश जो है, मैं एक सेंटेंस से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके, आई लाइक रेन, आई लाइक रेन, आई लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, आई लाइक रेन, आई लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? आई लाइक रेन, और मैं क्या बोल रहा हूँ? आई लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, आई लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। तो बताओ मैंने क्या बोला, मुझे बारिश में क्या पसंद है? आई लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, गेटिंग वेट इन द रेन।
मैंने हिंदी में क्या बोला दोस्तों? मैं बारिश में भींगने देता हूँ। मैं बारिश में भींगना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बारिश में भींगना। आई लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। गेटिंग अब बताओ मुझे, द पढ़ो एक माय का साला फरमाइश पसंद। हाँ, तो गेट वेट मतलब हो गया भींगना। आप कैसे बोलेंगे बारिश में मत भीगो, कैसे बोलेंगे माँ बाप इंग्लिश में? डोंट वेट, डोंट गेट वेट, गेट वेट गेट ऑन वेट द द रेन, इन द रेन। रेन, इन द रेन, डोंट गेट वेट इन द रेन। बाकी और लोग जवाब दीजिए, और सलाह क्या क्या मम्मी पापा मना करते हैं करने से, क्या क्या बोलते हैं? एक ने कहा बारिश में बारिश मत में, जाओ, फिर से बारिश बोला में बाजार मत जाओ, ज्यादा बारिश में बाजार नहीं जाने की। फोन मत चलाओ, ज्यादा बढ़िया, क्या बोला आकांक्षा तुमने? फोन मत चलाओ। ज्यादा फोन मत चलाओ, ये भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी यूज करें। शाजिया, आफरीन, साहिल, पहले हिंदी हो जाए उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे। और लोग फिर जिम मत से बोलना साहिल। जाओ, जिम मत जाओ। यस हाँ, मम्मी पापा कहते हैं जिम मत जाओ। अच्छा सर, ठीक है, डोंट आफरीन, शाजिया, काजल, गो टू द जिम। वो तो हम लोग कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, टेंशन किस बात का। पहले भी हिंदी में और सेंटेंस से सोचो ना, क्या क्या बोलते हैं माँ बाप, पूछ करते हैं क्या क्या सलाह देते हैं नहीं करने के लिए, क्या क्या मना करते हैं। ज्यादा तीखा मत खाओ। ज्यादा तीखा मत खाओ, ये बोलते हैं माँ बाप। सॉरी सही, सर, कोई सॉरी सर, नेटवर्क इशू था सर, वाईफाई बात नहीं अनीश, कोई बात था। नहीं अनीश। बेटा एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं तुम्हारी गलतियां हाइलाइट करूँ ना, तो मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है, ठीक है? मेरा इरादा तुम्हें बुरा नहीं लगाने का, याद रखना। लेकिन ओके बिना सर, गलतियां हाईलाइट किए मैं नहीं सिखा पाऊंगा, पहले बताना पड़ेगा क्यों है, कैसे है प्रॉब्लम, ताकि वो चीजें सॉल्व करी जा सके। बेटा रिपीट कर दीजिए अभी जो था। आप विजयवाड़ा में पढ़ रहे हो ना, कहाँ पढ़ रहे हो अनिश? KL University अकांक्षा रुक जाना 2 मिनट बेटा, फिर से बोला अनिश। KL University विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, राइट। और बेटा आप विजयवाड़ा में कौन सा कोर्स कर रहे हैं अनीश? NCA सर। MCA, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस अच्छा अनीश, आपको सर, बोलना है बैठ जाओ, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सिट डाउन। मैंने कहा था तुम लोगों को प्रोडक्ट बता देंगे। अगर अनीश आपको बोलना है खड़े हो जाओ, तो कैसे बोलेंगे? स्टैंड अप। अगर आपको बोलना है अनीश हल्ला मत करो, तो कैसे बोलेंगे आप? नोइज। देखो मैंने एकदम प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये तीनों सेंटेंस अनीश बोल देंगे सही सही, बोला था तुम लोगों को। प्रॉब्लम यस सर, तुम लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी बना दी गई है, सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं जानते, ये गजब की कहानी है। तुमने ऐसे ही तीनों सेंटेंस बोला अनीश, अब तुम्हें बोलना है कि कुकर में मीट मत बनाओ, कैसे बोलोगे अनीश? डू नॉट मीट इन द कुकर। डू नॉट या डोंट, जैसे कहा था डोंट मेक अ नॉइज, जब कहा था ना आपने डोंट मेक अ यस, नॉइज, बोले डोंट कुक, क्या बोलेंगे आप डोंट कुक, आगे? क्या बोलेंगे अनीश? डोंट कुक इन द, डोंट कुक मीट इन द कुकर, वेरी इन गुड कुकर। बॉय, वेरी गुड, डोंट कुक मीट इन द कुकर, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम लोग ये सेंटेंसेस देख रहे हैं अनीश के, माँ बाप हम लोग को मना करते हैं ये मत करो वो मत करो, राइट बोलते हैं ना? तो हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में पहले बोल रहे हैं जो माँ बाप बोलते हैं। किसने कहा धूप में मत खेलो, किसने कहा बारिश में मत जाओ, बारिश में मत भींगो, ठीक है, किसने कहा कॉलेज मत जाओ, कुछ माँ बाप ऐसा ही बोलते होंगे शायद, बेटियों को बोलते होंगे कॉलेज मत जाओ, कुछ माँ बाप बोलते होंगे।
एक ने कहा कि जिम मत जाओ, हो सकता है कुछ माँ बाप बोलते हैं जिम मत जाओ, मेरे माँ बाप तो उल्टा बोलते कहते जिम जाओ। ओके तो खैर आपके माँ बाप जो भी, आपके जरूरी नहीं कि आपके मतलब माँ बाप जो बातें मना करते हैं अपने बच्चों करने के लिए, आप उसको हिंदी में बोलें पहले। सब लोग कम ऑन, कुछ और हिंदी सेंटेंसेस दीजिए मुझे प्लीज। खेलने मत जाओ। खेलने मत जाओ, बहुत बढ़िया अनीश। कैसे बोलेंगे आप इसको इंग्लिश में? डोंट प्ले। डोंट प्ले या डोंट गो टू प्ले, दोनों ही सही है ना? डोंट प्ले, डोंट गो टू प्ले, ठीक है। और बताएं शाजिया। रात में बाहर नहीं जाओ। रात में बाहर मत जाओ, सही है साहिल। तो बताओ भाई इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, रात में बाहर मत जाओ? डोंट डोंट राइट, डोंट के बाद क्या बोलना चाहिए साहिल बिहारी? डोंट गो टू, डोंट गो बोल दो पहले, डोंट गो, गो डोंट गो आउट, आउट, डोंट गो आउट इन द नाइट। आउट इन द नाइट। ओके तो और क्या माँ बाप बोलते हैं जरा बोलना। कार मत चलाओ। अच्छा तुम्हारे पापा बोलते हैं कार मत चलाओ, चलो ठीक है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? डोंट राइड अ कार। डोंट ड्राइव द कार। डोंट डोंट ड्राइव। ड्राइव द कार, सही बोलते हैं, सर ठीक है। बाइक हाँ तेज मत चलाओ। बाइक तेज मत चलाओ, देखो अब कैसा दिमाग काम कर रहा है सब लोगों का। बोलो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डोंट डोंट फास्ट राइड। फिर गलत। साहिल तुम एकदम डोंट गो, ड्राइव द फास्ट बाइक। साहिल तुम ऑब्जर्व क्यों नहीं करते मेरे दोस्त? सब जगह डोंट के बाद क्या बोला गया था साहिल? चलाना के इंग्लिश अगर राइड या ड्राइव जो भी बोलते हैं, फास्ट कैसे घुसा दिया तुमने पहले? तुम सॉरी सर, डोंट राइट, ऑब्जर्व तो करो मेरे डोंट दोस्त, ड्राइव द बाइक। एक पैटर्न देखना है तुम्हारे नजर को कि हर बार ये चीज हो रहा है। डोंट राइड योर बाइक ड्राइव। ऑफ, राइड बोलते बेटा, ड्राइव नहीं बोलते, राइड बोलते हैं। ओके आर आई डी, ओके। डोंट राइड योर बाइक। सर सर कार में अभी बोले ड्राइव और बाइक में राइड क्यों? ऐसी दोनों आप हिंदी में एक ही वर्ड बोलते हो, चलाना चलाना, ठीक है ना? आप मोबाइल को भी चलाते हैं तो बोलिएगा डोंट ड्राइव द फोन, बोलिएगा बेटा? नो सर, डिपेंड करता है क्या आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो वर्ब है ना, ड्राइव, राइड, कार, बाइक, मोबाइल, यूज, ये सब का कॉम्बिनेशन बनता है, इसी को इंग्लिश बोलना कहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ मोबाइल, जैसे ये एग्जाम्पल आकांक्षा ने दिया था, ज्यादा फोन मत चलाओ, माँ बाप ये भी बोलते हैं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में अनीश? ज्यादा फोन मत चलाओ। डोंट 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 यूज यूज द फोन। मोबाइल। अब चलाना के यूज कर लिया, अब तो ड्राइव नहीं बोले आप यहाँ पर, बोले क्या? तो नहीं सर, नहीं सर, नो जैसे सर। अलग चीजें होती हैं कभी कभी बदल जाती हैं, ओके बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसे बोलना, ओके ऐसे। तो डोंट यूज योर मोबाइल टू मच, डोंट यूज योर मोबाइल टू टू मच मच। और क्या माँ बाप और क्या बोलते हैं बेटा? कुछ और? लड़ाई मत करो। बहुत सही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट सर, लड़ाई का इंग्लिश क्या है? डोंट क्वारल। डोंट क्वारल, डोंट फाइट। डोंट फाइट सर। डोंट क्वारल, डोंट फाइट, ओके। और बताएं और कुछ आ रहा है दिमाग में? आफरीन और शाजी, भूखे मत फिर रहो। डोंट से बोलना। एग्रीमेंट। हिंदी मुझे तो बोल ले आफरीन पहले। सिफारिश मत दो, बहस मत करो।
बहस मत करो, सही है। क्या बोलते इंग्लिश में आफरीन? एग्री अगर दो में से एक चीज बोलेंगे, या तो सिर्फ आर्ग्यू बोलेंगे डोंट आर्ग्यू, या तो लंबा बोलना है तो बुरा बोलना होगा डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट, डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट। चलो ठीक है। सर, वाटर पार्क मत जाओ। ओके डोंट इंग्लिश। डोंट गो टू वाटर पार्क। वेरी गुड, वेरी नाइस। और बच्चा नदी है? के ऊपर बताओ। नदी यस अखिलेश। डोंट डोंट हैविंग ए शावर इन रिवर। फिर से बोलना। डोंट हैविंग ए शावर रिवर। ये देखो इस लड़के को देखो, इतना सारा एग्जाम्पल सुना, उसके बाद देखो इसने क्या किया है। तुम लोग पैटर्न तोड़ने में इतने तेज हो, इतने तेज हो पैटर्न का कचरा करने में। पैटर्न नाम का कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे दिमाग में। नहीं दोस्तों, आपने सुना अखिलेश की बात, उसने कहा नदी में मत नहाओ, ठीक है? उसने क्या कहा? डोंट हैविंग अ बाथ इन द रिवर। करेक्ट करोगे? आफरीन डोंट बाथ इन रिवर। बहुत बढ़िया। अनीश, या डोंट हैव बोलेंगे, हैविंग में आईएनजी हटा दें, इतना ही करना। ये आईएनजी कहां से आया अखिलेश बाबू? अभी तक तो नहीं आ रहा था, डोंट वॉचिंग टीवी तो नहीं हो रहा था, ये तुम्हारी मर्जी चलेगी। जैसे कि माइंड में रह गया क्या हैविंग ए शावर मतलब होता है नहाना है। हमको ही मालूम नहीं अरे था आई सर एन जी के साथ क्या। लग रहा है कि नहीं होता है, होता है कुछ नहीं है अखिलेश बाबू, कुछ भी होता है वाला दिमाग मत लगाओ, होता है। गौर करो जो हो रहा है सामने तुम्हारे, सारे वर्ब में किसी में आई एन जी आया था क्या? नहीं सर, बर्ड मीनिंग मिस के कारण हो गया। अंधे मेरे बाबू, वर्ड मीनिंग। मैं पूछ रहा हूं किसी ने आई एन जी यूज किया अभी तक? नहीं सर, हर एक वर्ब में आई एन जी लग सकता है, वो उसका वी फोर फॉर्म होता है। तुमने खुद किया ना अखिलेश एक बाबू? तुम क्लास में थे कि नहीं कल परसों, पहले ही बताओ, कल थे कि नहीं? परसों तो कल वीडियो देखे सर। वीडियो कल वीडियो क्लास अटेंड करो ज्यादा रेगुलरली। और दूसरी बात सुनो, वीडियो देखा तो तुमने क्या देखा? कि एक वर्ब के पांच फॉर्म्स मैंने पढ़ाए हैं, सर उसमें चौथे वर्ब फॉर्म में आईएनजी सारे वर्ब में लगता है। तो ये कभी मत बोलना कि आईएनजी मतलब ये होता है, ठीक है? वो चौथा फॉर्म है, वो जिसकी उसकी जरूरत होगी तो सब हर एक वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा जहां पर उसकी जरूरत होगी। लेकिन जो तुम अभी कर रहे थे उसमें कहीं पे भी आईएनजी लगा था किसी में? सबने कहा डोंट डू, डोंट गो, डोंट मेक, डोंट यूज, डोंट ड्राइव, किसने आईएनजी लगाया? नहीं सर, तो तुमने आईएनजी लगाते समय बिल्कुल नहीं सोचा, तुम्हें तो तोते की तरह, तुमको तो याद है हैविंग अ शावर मतलब हैविंग अ बाथ मतलब नहाना होता है, तो कैसे नहीं बोले हैविंग अ बाथ? लल्लू लाल, हैव अ बाथ मतलब भी नहाना होता है, हैविंग अ बाथ मतलब भी नहाना होता है, हैज अ बाथ मतलब भी नहाना होता है, हैड अ बाथ मतलब भी नहाना होता है, सबका मतलब नहाना ही होता है, ठीक है? ये अलग अलग फॉर्म्स हैं एक वर्ब के इंग्लिश में, कौन से फॉर्म की कब जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से यूज करेंगे। यहाँ कौन सा फॉर्म चाहिए बोलो? V1 फॉर्म। डोंट हैव ए शावर इन रिवर। डोंट हैव अ बाथ इन द रिवर। चलो ठीक है, डोंट हैव अ बाथ इन द रिवर, शावर नहीं बोलते, डोंट हैव अ बाथ इन द रिवर। ओके, और क्या कहते हैं माँ बाप, मना करते हैं? शाजिया, साहिल, आफरीन, कम ऑन गाइस, चिल्लाओ अखिलेश। मत। डोंट शॉट। सही बोल रही है, चिल्लाओ मत। यस अनीश, इंस्टा पर ज्यादा वीडियो मत आकांक्षा, देखो। इंस्टा पे ज्यादा, आकांक्षा इंस्टा पे ज्यादा वीडियो मत देखो। वीडियो मत देखो, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? बाहर मत सुन जाओ, डोंट वॉच। यू डोंट ले, सुन ले, हड़बड़ाने का क्या है? हाँ आकांक्षा, वॉच बहुत ज्यादा। अरे पहले डोंट वॉच के बाद ज्यादा नहीं चाहिए, डोंट वॉच के बाद वीडियोस डोंट चाहिए। वॉच वॉचेस। Yes. यू डोंट वॉच वॉचेस मेनी वीडियोस।
अच्छा मेनी वीडियोस भी बोल सकते हैं, डोंट वॉच टू मेनी वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, सॉरी ओके? अच्छा था चलो ठीक है, डोंट वॉच टू मेनी वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, ये भी सही है, ठीक है। बाहर मत जाओ भूत रहता है। अच्छा कोई पागले माँ बाप ऐसा बोलेगा, देखो ये सब फालतू बात दिमाग में डालेगा भूत भूत के बारे में। जो बाहर जाता है ऐसे डराने के लिए बोलते हैं ना। ऐसा कौन तो करता है, कोई नहीं करता ऐसा। चलो आगे बढ़ाओ। पैसे ज्यादा खर्च मत करो। हाँ ये अच्छी सा, अच्छी, माँ बाप अक्सर बोलते हैं ज्यादा पैसे बर्बाद मत करो, पैसे बर्बाद मत करो, कैसे बोलेंगे बर्बाद करना का इंग्लिश क्या होता है, बर्बाद वेस्ट, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, सब लोग डोंट बोलो वेस्ट डोंट डोंट वेस्ट वेस्ट मनी डोंट वेस्ट मनी, मनी डोंट वेस्ट मनी। और बताओ, ज्यादा घूमने मत जाओ। ठीक है बोलो। घूमना अभी जो मम्मी बोले थे कि ज्यादा बाहर मत जाओ, बाहर घूमने ही जाते हैं ना लोग, मतलब गो आउट स्कूल अ भी तो लॉट, उसी जाते के लिए हैं। बोले ना। आप हिंदी के शब्द बदल बदल के बोलते हो, कभी बोलते हो बाहर मत जाओ, कभी कहते घूमने मत जाओ, कहाँ घूमने जाते हो भाई। अनीश एक दो सेंटेंस आप बोल दो। सर ईडन गार्डन मत ईडन जाओ। गार्डन मत जाओ, ठीक है। अनीश कुछ डोंट सेंटेंस आप गो भी बोल लो। टू द ईडन गार्डन। माँ बाप क्या मना करते हैं करने से, नहीं कहते लड़कों से लड़कियों से बात मत करो, ऐसे नहीं बोलते लड़कियों थे। से यस सर बोलो मैंने इंग्लिश। भी नहीं बोला सर कोई साहिल नहीं बोले तुमको मम्मी लड़कियों से बात मत करो, साहिल लड़की है ही नहीं है सर मम्मी जानती है। सर अच्छा। अनीश कैसे बोलते, तुम्हारी मम्मी कैसे बोलती है लड़कियों से बात मत करो, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे। डोंट डोंट टॉक टू गर्ल डोंट टॉक गर्ल डोंट टॉक टू गर्ल्स, डोंट टॉक टू गर्ल्स, डोंट टॉक टू गर्ल्स, ओके क्या बोलेंगे, डोंट टॉक टू गर्ल्स, डोंट टॉक टू गर्ल्स डोंट टॉक टू गर्ल्स, ओके ओके। लड़की चक्कर में मत रहो। क्या 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 अखिलेश, चक्कर में मत रहो लड़की लड़कियों में मत रहो। के चक्कर सर वही लड़की हुआ। तो उसकी मम्मी बोलती होगी लड़का के फिर मत रहो। हाँ एग्जैक्टली, आकांक्षा को बोलती है ना, क्या बोलती है, अफरीन को भी बोलती है, जाजिया को भी बोलती है, क्या बोलती है, लड़कों के चक्कर में मत रहो, डोंट डोंट टॉक टू बॉयज, डोंट टॉक टू ओके बॉयज ये कुछ ऐसे बातें होती है ना बेटा, जिसको इसलिए इंग्लिश आपको नहीं करना है, बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ खत्म करने से पहले, कि कुछ ऐसे शब्द आप बोलते हो ना जिसका डायरेक्ट कुछ मतलब नहीं होता है, जैसे आप बोल रहे हो लड़कों के चक्कर में मत रहो, तो क्या लड़कों का कोई चक्कर होता है, चक्कर आप समझते हो ना, इससे ये कहा जा रहा है लड़कों से वास्ता मत रखो, लड़कों के चक्कर में मत रहो मतलब लड़कों से वास्ता मत रखो, तालुक है ना, लड़कों के यस सर चक्कर में मत रहो या लड़कियों के चक्कर में मत रहो मतलब उनसे उनसे वास्ता मत रखो, उनसे दोस्ती मत रखो। तो आप हिंदी में ये वर्ड बोलते हैं कि चक्कर में मत रहो, अभी आप सीधे सीधे ऐसे बोल लीजिए, डोंट टॉक टू बॉयज, डोंट बॉय टॉक टू गर्ल्स, डोंट डोंट बी टॉक टू गर्ल फ्रेंड्स, डोंट बी डोंट टॉक फ्रेंड्स टू विद बॉय बॉयज, डोंट बी फ्रेंड्स विद गर्ल्स, क्या बोलेंगे, डोंट बी फ्रेंड्स विद गर्ल्स, डोंट बी फ्रेंड्स विद बॉयज। और सर बाद मूवी में जब बहुत आगे जाएंगे आप नहीं लोग इंग्लिश में, तो आपको एक फ्रेज सिखाऊंगा, डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद बॉयज, ओके, डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद लड़के गर्ल्स, ओके, तो ये सब इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बाद में, ओके हाँ कुछ बोल रहे थे अनिशा। टीवी मत देखो डोंट हाँ ये भी बोलते हैं, बास्ट डोंट वॉच टीवी, डोंट ठीक है। टॉक टू
सर बुरे दोस्त के साथ मत रहो। ठीक है, कैसे बोलेंगे? डोंट डोंट बर्ड फ्रेंड्स। अनीश, जब आप ये बोलते हो डोंट बैड फ्रेंड्स, तो आपको वर्ड्स का फील जरा नहीं होता है मेरे दोस्तों, कि कोई वर्ब क्या होता है, कोई नाउन क्या होता है, कोई एडजेक्टिव क्या होता है, इसका जरा फील नहीं है। अब तक जितने ही सेंटेंसेस बोले अनीश, डोंट के बाद क्या बोले हम लोग? कोई काम बोले, डोंट वॉच, डोंट कुक, डोंट हैव, डोंट गो, सब डोंट के बाद वर्ब ही ना बोले थे अनीश। हर बिजनेस। यस सर, यस सर। और अभी क्या बोल गए आप? डोंट बैड फ्रेंड्स, किधर है वर्ब? बाहर तो नहीं है। इस चीज से इतनी मुश्किल होती है आप लोगों का, आप लोग कभी कुछ नहीं समझ पाते, इसी वजह से। सिर्फ आपको शब्द और इसकी हिंदी पता है बस, उसके अलावा कुछ एहसास नहीं है, इसी वजह से आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। आपने 10 लाइन 15 सेंटेंसेस अभी एग्जाम्पल में सुने, अगर आप रिकॉर्डिंग बाद में देखोगे आपको पता चलेगा आपने 15 सेंटेंसेस बोले डोंट के बाद एक वर्ब के साथ, और 16वीं बार आकर के आपने कहा डोंट बैड फ्रेंड्स। इसको कहते हैं सारा गुड़ गोवर कर देना। कैसे करते हैं आप ऐसा? फील नहीं आता डोंट बैड फ्रेंड्स? कौन सा बात बोल दिया आपने? अगर आप कहते डोंट स्पेंड टाइम विथ बैड फ्रेंड्स, डोंट बी फ्रेंड्स, बी बी मतलब होना, ठीक है, डोंट बी फ्रेंड्स विथ बैड बॉयज, बैड पीपल, बुरे लड़कों के साथ दोस्ती मत करो, डोंट बी फ्रेंड्स विद बैड गाइज, तो एक बात समझ आती, डोंट बी फ्रेंड्स। डोंट के बाद वर्ब ही बोल रहे हैं ना सारे लोग। बैड कोई वर्ब है? बैड कोई काम है क्या? डोंट बैड फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो अनीश? अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वहां यस सर, यस सर। पे आपको वर्ब चाहिए। बोलिए डोंट बी फ्रेंड्स विद बैड गाइज, डोंट बी फ्रेंड्स विद या बैड गाइस। डोंट मेक फ्रेंड्स विद बैड गाइज, डोंट डोंट मेक मेक फ्रेंड्स गाइज, बैड गाइस। बुरे लड़कों के साथ दोस्ती मत करिए, डोंट मेक फ्रेंड्स विद बैड गाइज। चलिए ठीक है, वी आर गोइंग टू कैरी ऑन टुमारो। अगर आपको थोड़ा बहुत अपने टाइम का वैल्यू है तो प्लीज रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मोबाइल मत जाओ। हाँ जी, ठीक है, और आप ऐसे ही सेंटेंसेस और लिखिएगा, ठीक है, कि टीचर क्या मना करते हैं और माता पिता क्या मना करते हैं, कभी कभी दोस्त क्या मना करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आप लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में। अगर हिंदी से इंग्लिश कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हिंदी में। ऑल राइट, आई विल सी यू गाइस टुमारो, कल मिलते हैं हम आपसे, बाय अच्छा बाय सर। बाय।